मम्मी जी। हाँ बेटा। एक काम करिए, बाजार से जाके दो पैकेट मैगी ले आइए। बेटा तुझे पता तो है मेरे पैर में कितना दर्द रहता है, मैं कैसे जाऊंगी मार्केट? अरे ईशु खाली तो बैठे, इसको वो लिए ले आएगा। हाँ मालकिन मैं चले जाता हूँ ना, वैसे भी माँ जी के पैर में दर्द रहता है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया ना कि मुझसे बहस मत किया कर, अपना काम पे ध्यान दे। और मम्मी जी आप जाके लेके आइए मैगी, मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। पर बेटा जाइए ना जल्दी प्लीज। ठीक है बेटा जाती हूँ। अरे ले आए आप कपड़े? हाँ बेटा, ऊपर ना बारिश आ रही थी इसलिए मैं सारे कपड़े ले आई। और इनके जूते? बेटा वो तो मैं भूल गई, कोई बात नहीं ना ईशु ले आएगा, मैं बोल देती हूँ। मम्मी जी ईशु काम कर रहा है, जाइए आप इनके जूते लेके आइए। बेटा अरे मम्मी जी बारिश आ रही है, गीले हो जाएंगे, जल्दी जाइए। मालिक मुझे आपको कुछ बात बतानी थी। हाँ हाँ बता। वो मालकिन है ना, माँ जी को बहुत परेशान करती हैं। परेशान करती हैं मतलब? उनसे बहुत काम करवाती हैं। कैसे काम करवाती हैं? आप जाके लेके आइए मैगी, मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। पर बेटा जाइए ना जल्दी प्लीज। ठीक है बेटा जाती हूँ। अरे घर के ही तो काम करवाती हैं, तो क्या हो गया? वैसे भी वो ऐसी पड़ी रहती है, थोड़े बहुत काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? मालिक मुझे तो लग रहा था कि आप माँ जी से बहुत प्यार करते होगे, लेकिन आप तो माँ जी से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। ईशु फिक्र की बात नहीं है, इनफैक्ट हमें भी बुरा लगता है उनको ऐसे काम करवाते हुए, पर ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मालिक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं बताता हूँ तुझे, आ चल मेरे पास। मालिक मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे तो रोज़ मालकिन माँ जी को परेशान करती थी, ये करो वो करो, और आज अचानक से पैर दबा रही है। ईशु वो उनको परेशान नहीं करती थी, उल्टा ऐश्वर्या उनका ध्यान रख रही है। कुछ दिनों पहले हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला कि अगर माँ जी नहीं चलेंगी ना तो उनके घुटने खराब हो जाएंगे और वो फिर कभी नहीं चल पाएंगे। तो वैसे तो वो हमारी बात मानती नहीं है, मैंने सोचा यही एक तरीका है जिससे कि वो चले और वो ठीक रहे। मालिक मैं तो खामखा मालकिन को इतना बुरा समझ रहा था और मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, मुझे माफ़ कर दो मालिक। माफ़ी की कोई बात नहीं है, शायद तूने गलत समझ लिया होगा, कोई नहीं, चल ठीक है अपना काम कर ले, और आज शाम को पनीर की सब्ज़ी बनाती है, मेरी फेवरेट, ठीक है? जी मालिक।